अरे भैया, रिएक्ट कर रहे हैं बहुत दिन से, पर हो नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। भैया वेब डेवलपमेंट में क्या करे, कैसे करे, समझ में नहीं आ रहा। भैया जावा स्क्रिप्ट कितना पढ़े, कब पढ़े, कहाँ से पढ़े, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। हर किसी को आज समझ में आ चुका है कि वेब डेवलपमेंट में एक बहुत ही शानदार करियर आपका इंतजार कर रहा है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें घुसना चाहते हैं, अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। पर समस्या कहाँ होती है? समस्या यहाँ होती है कि हम कई महीने कई बार लगा देते हैं, साल भी लगा देते हैं, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। तो मैंने कुछ ऐसे बच्चों से बात की जो इस तरह की परेशानियों से परेशान थे, और समझा कि वो क्यों परेशान है, और उनकी परेशानियों का समाधान भी ढूंढा। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैंने बच्चे से पूछा कि क्या नहीं समझ में आता। भैया रिएक्ट जो है ना, अगर ट्यूटोरियल देखते हैं तो समझ में आता है, फिर जब बनाने जाते हैं तो नहीं आता है। तो मैंने बोला ठीक है, क्या नहीं समझ में आता? भैया खुद से कोड लिखना नहीं हो पाता है। बहुत आम समस्या है ये कि ट्यूटोरियल देख के होता है लेकिन बाकी टाइम नहीं होता है। पर क्यों नहीं होता है? तो मैंने बच्चे से पूछा कि अच्छा बताओ तुम कितने दिन, कितने महीने, कितने सप्ताह आपने जावा स्क्रिप्ट सीखा? भैया जावा स्क्रिप्ट का एक ट्यूटोरियल किया था, थोड़े क्वेश्चन वेश्चन किए थे भैया, रिएक्ट में जल्दी घुस गए थे। यही सबसे बड़ी समस्या जो है बच्चे, वो ये है, रिएक्ट तो कुछ है ही नहीं, वेब डेवलपमेंट तो कुछ है ही नहीं। MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड, मर्न जिसको हम कहते हैं, ये तो कुछ है ही नहीं। जो गेम है वो है जावा स्क्रिप्ट की, और जो गेम है जावा स्क्रिप्ट के पहले वो है प्रोग्रामिंग की। अब अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हम तुरंत कूद कर पहुंच जाएंगे यू डोंट नो जावा स्क्रिप्ट और इलोक्वेंट जावा स्क्रिप्ट, लेकिन नहीं, ठहरो, उनके बारे में बात करेंगे। पहले समझते हैं कि अगर आपको प्रोग्रामिंग ही नहीं आती और आप 2-4-5 दिन जावा स्क्रिप्ट पे लगाकर या प्रोग्रामिंग पर लगाकर तुरंत से रिएक्ट के ट्यूटोरियल देखोगे तो आपसे नहीं होगी प्रोग्रामिंग, आपसे नहीं होगा डेवलपमेंट। और फिर आप समय कितना भी लगा दो, अगर आपका जो बेस है एक बिल्डिंग का, उसको बनाने में आपने समय नहीं लगाया, तो माले ऊपर कितने भी चढ़ा दो, जिस दिन गिरेगी बिल्डिंग पूरी गिरनी है, उसमें सपोर्ट है ही नहीं नीचे। तो यही प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट को 4-5 दिन भी नहीं देते, हम कुछ घंटों में समझना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, एक वीडियो देख लिया 5 घंटे का तो आ ही गई होगी प्रोग्रामिंग। अब हमें पता ही है कि वेरिएबल क्या है, अब हमें पता है कि एरे क्या है। अरे पता होने से क्या होता है, पता होने से तो कुछ होता ही नहीं है। सारा गेम तो कर पाने का है ना, आने का तो है ही नहीं, कर पाने का गेम है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत सारा टाइम बिताना चाहिए। अब आप कहोगे बहुत सारा तो क्या, और बिताना चाहिए तो कहाँ, दोनों सवाल सही है। देखो समस्या ये होती है ना कि रिएक्ट के अंदर बहुत सारा जावास्क्रिप्ट है, बिल्कुल फ्रेश जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट का अपना बस एक कॉन्सेप्ट है कि UI इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, और इसके बारे में हम लोग कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन बस एक ही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा क्या है रिएक्ट के अंदर, खूब सारा जावास्क्रिप्ट, खूब सारा वनीला जावास्क्रिप्ट, और खूब सारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट को बेसिक चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको एरे को कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं, बहुत अच्छे से आना चाहिए। और एरे, ऑब्जेक्ट, फॉर लूप, इस तक पहुंचने के पहले आपको उसके डेटा टाइप्स पे हाथ बैठा हुआ होना चाहिए। आपको उसमें लॉजिक कैसे लिखते हैं, और अगेन हम जब लॉजिक की बात करते हैं, एक सेकंड के लिए रोकते हैं इसको, हम लॉजिक की बात करते ना तो हम हमेशा हमेशा एक गलती करते हैं। हम सोचते हैं लॉजिक का मतलब है कि DSA, या लॉजिक का मतलब है कि पैलिंड्रोम, लॉजिक का मतलब है LCM, लॉजिक का मतलब है रिकर्शन, लॉजिक का मतलब है डबल फॉर लूप्स के स्टार पैटर्न। बट लॉजिक का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, लॉजिक का ये मतलब है ही नहीं। हमने एक गलती की, और आज से नहीं गलती की है, हमने 40 साल से ये गलती की, जब से हमने पढ़ाना शुरू किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ट्रेन करना शुरू किया, तब से हम ये गलती करते आ रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह ट्रेन नहीं करते, हम कंप्यूटर साइंस के एंगल से ट्रेन करते हैं। इसीलिए आज DSA का इतना बोलबाला है, और इसीलिए इतने सारे बच्चे, सबको पता है कि जॉब है, सबको पता है कि पैसा है, इतने सारे बच्चे आते हैं सैलाब की तरह आते हैं, और उसके बाद जाके DSA की दीवार से सर टकरा के उनका खून निकलने लगता है। चाहे आप कितना भी इजी कोर्स बना दो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि DSA जो है वो फर्स्ट चीज हो ही नहीं सकती। फर्स्ट चीज तो आपको बेसिक चीज आनी चाहिए ना, कि भाई एरे में कैसे स्टोर करते हैं, ऑब्जेक्ट में कैसे स्टोर करते हैं, वेरिएबल्स कैसे यूज करते हैं, और लॉजिक, सिंपल लॉजिक कि अगर ए का एज 18 है तो क्या उसको ये मूवी देखना अलाउड होगा कि नहीं। ये सिंपल इफ एल्स लॉजिक होता है ना, अगर बी का एज ग्रेटर देन 60 है तो उसको टिकट काउंटर पे कितनी डिस्काउंट मिलेगी, अगर सी ने 40 से ऊपर आवर्स काम किया है तो उसको ओवरटाइम कैसे कैलकुलेट होगा। अधिकतर जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यही होता है,
आप टिकट काउंटर पर जाते हो, आप मूवी हॉल में जाते हो, आप कहीं भी आप स्कैन करते हो और यही सब चीजें हो रही है सॉफ्टवेयर में। इंजीनियरिंग में तो यही हो रहा है, हर दिन डेटा स्ट्रक्चर तो हर जगह नहीं लगा रहता है, बट बहुत बिहाइंड द सीन्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो तो इन्हीं चीजों को कोड कर रहा है ना, इफ एल्स फंक्शन एरेज ऑब्जेक्ट्स। पर हम कितना कम टाइम इस पे लगाते हैं यार, बहुत ही कम टाइम, और यही पर हम गलती करते हैं। और मैंने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया अभी कुछ दिनों पहले, तो मैं सोच रहा था कि जब मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी तो बहुत सारा टाइम लगाया था, एक बुक थी लेट अस सी करके, उसके काफी क्वेश्चंस बनाए थे। अभी मैं वापस से सोच रहा था कि बच्चों को इतनी मुश्किल क्यों होती है यार प्रोग्रामिंग सीखने में, तो मैं वापस उस किताब पे गया, लेट अस सी खरीदी मैंने, और उसके बाद मैंने एक और किताब है मेरे पास इलोक्वेंट जावास्क्रिप्ट, एक और किताब है यू डोंट नो जेएस, तीनों किताब देखी। लेट अस सी में भी मैंने देखा कि बहुत जल्दी हम बहुत ही एडवांस प्रोग्राम से पहुंच जाते हैं, जबकि वो अच्छी बेसिक किताब है। अगर हम इलोक्वेंट जावास्क्रिप्ट की बात करें, मुझे काफी अच्छी लगती है वो किताब, बट इलोक्वेंट जावास्क्रिप्ट उन लोगों के लिए है जो जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, नॉट जावास्क्रिप्ट एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें अंतर है, अगर आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट ही नहीं आते हैं, अगर आपको फंक्शन क्या होता है, फॉर लूप्स कैसे यूज होते हैं, एरेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होता है, एंड और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता है तो इलोक्वेंट जावास्क्रिप्ट आपके लिए बहुत ही खराब बुक साबित होगी। यू डोंट नो जेएस की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, अगर यू डोंट नो जेएस कोई आपको बोलता है एज अ बिगिनर पढ़ने के लिए तो उसको तुरंत अनफॉलो बटन दबा दीजिए उसका, क्योंकि यू डोंट नो जेएस तो जब आप बहुत सीनियर हो जाते हो 2-3 साल बाद ही आपको किताब पढ़नी चाहिए। लेकिन हम यही किताबें कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में आप ये किताबें पढ़ो, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली बुक है ही नहीं। फिर मैंने बहुत सर्च किया तो एक किताब निकली, जावास्क्रिप्ट फॉर डमीज, इसको भी मैं पैसे देके खरीदा, क्योंकि मैं पायरेटेड किताब नहीं खरीदता हूँ, मतलब नहीं पढ़ता हूँ, तो मैंने ये किताब देखी। किताब ये ठीक है, थोड़ी बेटर थी बाकी लोगों से, पर यहाँ भी मुझे एक दिक्कत यार, जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में घुसते हैं तो हम सब कुछ क्यों बताना चाहते हैं डे वन पे, क्यों हमें क्या जरूरी है कि हम फॉर लूप तो बताएं, उसके साथ साथ डू व्हाइल और व्हाइल लूप भी बताएं, कोई जरूरत नहीं है ना, लूप एक सीखो, उसके फॉर ईच भी लगा देते हैं, फॉर इन भी लगा देते हैं, तो जितने लूप से सब एक बार बता दोगे तुम, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा यार, कहां अभी मुझे लॉजिक अभी शुरू ही हुआ है, मुझे पता ही नहीं क्या करना है, आपने 5 तरह के लूप बता दिए। ये हम गलती करते हैं, और ये सिर्फ लूप में नहीं, हर जगह हम ना बहुत वाइड, बहुत ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा करवाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन आप सीखते कैसे हो, अगर मैं एक जिम चले जाऊं, एक सेकंड के लिए सोचो, मैं एक जिम चले जाऊं और मुझे ट्रेनर जो है ना वो बोले ये देखिए चेस्ट के ये 5 एक्सरसाइज होते हैं और ये 6 होता है और ये 10 और होते हैं और ये बाइसेप्स के आर्म्स के ये होते हैं और ये ट्राइसेप्स के ये होते हैं और शोल्डर के लिए ये होता है, अरे बाप रे इतना क्या बताए जा रहे हो भैया, कुछ करा दो, जिम आए हैं, पढ़ने थोड़ी आए हैं। जिम को हम ऐसे सोचते हैं, हम वहां पे जितना वेट उठाते हैं उतने हमारा मसल बिल्ड होता है, उसी तरह से प्रोग्रामिंग को क्यों नहीं सोचते हैं। प्रोग्रामिंग में तो सिंपल है ना, जितने सिंपल 2-2 केजी के, 2.5 केजी के, 5-5 केजी के एक्सरसाइजेस करेंगे उतने धीरे धीरे मसल्स बिल्ड होंगे और फिर 10 केजी फिर 15 केजी तक पहुंच जाएंगे और फिर कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज कर पाएंगे। ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होना चाहिए कि जब आप कुछ सीख रहे हो, जब आप वॉक करने जा रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा चलोगे, पहले 500 मीटर 1 किलोमीटर फिर किस दिन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर टाइम लगता है, लेकिन हम टाइम ही नहीं लगाना चाहते। हम चाहते हैं हमें सब आ जाए, हम सब पढ़ ले, हम सब सीख ले, हम बनाए नहीं कुछ भी। ये हमारी मेजर प्रॉब्लम है। देखो मैं भी सीख रहा हूँ खूब सारा टाइम लगाकर ये कि कैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जा सके। जैसे जैसे मैं चीजें फिगर आउट करूंगा वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। लेकिन आपको अगर ये सीखना है समझना है तो आपको एक चीज तो करना ही पड़ेगा ना, एक कमेंट तो करना पड़ेगा प्यारा सा और सब्सक्राइब कर देना। यार एक कहानी सुनाता हूँ तुम लोगों को कि गांधी जी के पास एक बार एक आदमी आया, उसने बोला कि गांधी जी मेरा जो बच्चा है बहुत मीठा खाता है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर भी ये सुनता नहीं है, मेरी बात नहीं सुनता है, बट आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो एक बार आप बोलिए, अगर आप बोलिएगा तो शायद मान जाए। तो गांधी जी बोले आज नहीं बोलूंगा, 1 सप्ताह बाद आओ, 1 सप्ताह बाद बोलूंगा। तो 1 सप्ताह बाद वो आया अपने बच्चे के साथ, तो गांधी जी बच्चे को बैठाया, बोला कि देखो बेटा कितना मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा पे कंट्रोल करो नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो बोलता है ठीक है गांधी जी थैंक यू। फिर ये आदमी जो है वो बोलता है गांधी जी कि एक लाइन बोलने के लिए आपने मुझे 1 सप्ताह बाद क्यों बुलाया। तो गांधी जी ने बोला कि जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ मैं तभी दे सकता हूँ जब मैंने उस पर खुद अमल किया हुआ है, अगर मैंने नहीं अमल किया है तो मुझे वो एडवाइस नहीं देनी चाहिए आपके बच्चे को। तो पिछले 1 सप्ताह मैंने खुद मीठा खाना छोड़ा और उसके बाद बच्चे को ये एडवाइस दी। अब आप बोलोगे भैया एकदम से गांधी जी की कहानी कहां से लेकर आ गए आप, यार मैं तुम्हें क्या एडवाइस दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ कि अगर कुछ करना है तो उस पर ढेर सारा टाइम स्पेंड करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, और मेरे पास ये जो आइडिया आया कि प्रोग्रामिंग को ऐसे पढ़ाना चाहिए ऐसे नहीं, इसको मैंने कहां अप्लाई किया, इस पे मैंने क्या टाइम स्पेंड किया, तो मैंने किया। इस वीडियो को बनाने के पहले बहुत सारा समय लगाया, पहले
मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया जिसमें बस जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे, मेरे ढंग से पढ़ाएंगे। उसके बाद मैंने 200 बच्चों को बुलाया, 200 बच्चों को इस कोर्स के थ्रू पढ़ाया, उनका सारा फीडबैक लिया, कोर्स को फिक्स किया और बेटर किया, और 10-10 करके आ रहे थे, तो लास्ट आते आते बच्चों की कंप्लीशन रेट और बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी हो गई। खूब सारे एक्सरसाइजेस बनवाए, कितने तुम सोच सकते हो। देखो ये हर एक टॉपिक पे इतना सारा क्लास वर्क है, फिर उसके दो दो होमवर्क हैं, और एक एक टॉपिक के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, और एक ये टॉपिक पे तुम जरा सोचो कि बस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पे 50 एक्सरसाइजेस, क्योंकि जिम जैसा है, नहीं करोगे तो मसल कैसे बिल्ड होगा। तुम देखो ये कि सिर्फ ऑपरेटर्स पे, अभी इफ्स घुसाया भी नहीं मैंने, सिर्फ ऑपरेटर्स पे कितने एक्सरसाइजेस हैं, और लास्ट में देखो इन सब छोटे छोटे ऑपरेटर से ही एक छोटा सा डैशबोर्ड बनवा दिया, एक छोटा सा रिपोर्ट बनवा दिया। फिर इफ एल्स में घुसते हैं, फिर देखो कितने सारे एक्सरसाइजेस हैं। इफ को पहले इफ बताया, फिर इफ को साथ एल्स बताया, फिर इफ एल्स इफ बताया, लैडर बताया, ऐसे होता है, ऐसे ही होनी चाहिए पढ़ाई, क्योंकि मुझे ऐसा कोर्स कहीं, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक ऐसा बनाया, इसको टेस्ट किया। क्योंकि अगर टेस्ट नहीं करूंगा, अगर खुद जो बोल रहा हूँ टाइम स्पेंड अपना नहीं दूंगा एक प्रॉब्लम के ऊपर, तो कैसे आपके पास ये सोल्यूशन लेके आऊंगा। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो 10 मिनट या 20 मिनट या 15 मिनट का वीडियो नहीं है, ये मेरी महीनों की मेहनत की वीडियो है और सालों की है, क्योंकि सालों से इस प्रॉब्लम पे सोच रहा हूँ। यार प्रोग्रामिंग इतना टफ तो है नहीं, फिर इतना टाइम क्यों लगता है। और बार बार जब मैं सोचता हूँ तब मुझे यही लगता है कि हम एनफ टाइम स्पेंड नहीं करवा पाते हैं बच्चों से, एनफ मेहनत नहीं करवा पाते, एनफ एक्सरसाइजेज ही नहीं होते बच्चों के पास प्रैक्टिस करने के लिए, और स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखा पाते। स्कूल में कितना अच्छे से पढ़ाया जाता है यार, वैसा बनाया मैंने कोर्स को कि जो नहीं पढ़ाया वो नहीं पूछेंगे, जो क्लास वर्क में, आप देखो एक क्वेश्चन देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक क्लास वर्क का क्वेश्चन, होमवर्क के क्वेश्चन में बस क्या किया है, वेरिएबल का नाम और डेटा चेंज कर दिया है। आप बोलोगे क्यों, इससे क्या आया। अरे ऐसे ही सीखते हैं बाबू, ऐसे ही सीखे थे ना हम लोग स्कूल में, जब भी कोई चीज सीखो ऐसे ही सीखे हो, थोड़ा क्लास वर्क बनाए हो, थोड़ा होमवर्क बनाए हो, सेम टू सेम बनाए हो, फिर उसको एड करके तुम देखो लास्ट में ये कितना अच्छा एक रिपोर्ट बन जाता है, एक पूरा का पूरा एग्जाम तैयार हो जाता है। इतनी मेहनत कराई, और मुझे सबसे अच्छा पता क्या लगा, 200 बच्चे जो आए किसी ने भी मेहनत करने से मना नहीं किया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी ने भी, कुछ लोगों ने बोला मुझे भैया पहले से आती है प्रोग्रामिंग, मुझे लगा था आप कुछ एडवांस सिखाओगे, ये वाला मुझे नहीं करना। बहुत अच्छी बात है, हमने कहा नमस्ते कोई बात नहीं, जिनको नहीं आती उनको देखते, और जिनको नहीं आती उन्होंने तो बड़ा प्यारा प्यारा लिखा कि भाई ऐसे स्ट्रक्चर में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जावास्क्रिप्ट करूंगा, और इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ अब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है। और कितना टाइम लगा, 15 दिन फुल टाइम, सोचो 15 दिन फुल टाइम में तुम बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, और इसमें बहुत कुछ नहीं है अभी, बहुत कुछ और होना है, बट इतना सीख जाओगे कि लास्ट में तुम ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स बना पाओगे। ये देखो हमने एक HR रिपोर्ट बनवाया है, कितने सारे ऐसे रिपोर्ट्स बनवाए, और इसमें बच्चा बहुत कुछ सीख गया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जो वेब डेवलपमेंट में आनी चाहिए, जैसे फाइंड कैसे करते हैं, मैप कैसे करते हैं, रिड्यूस कैसे करते हैं। हमने ये वर्ड्स कहीं नहीं बताए, वर्ड्स नहीं, रिड्यूस नहीं बोला कहीं भी, लेकिन बच्चा कर रहा है, जब ये टोटल कैलकुलेट होता है तो वहाँ रिड्यूस अपने आप चल जाता है। तो इस तरह से हैबिट बनवाया, प्रैक्टिस करवाया और बच्चा सीखा। और इसी तरह मुझे लगता है कि हर किसी को, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में, हमारे जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बुक्स है ना यार, बहुत खराब है, मतलब बहुत एरोगेंट साउंड होता है ये बोलना, बट ये सच्चाई है। वो सब कंप्यूटर साइंस एंगल से आए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंगल से नहीं आए थे, वो तब आए थे जब बहुत कम लोग प्रोग्रामिंग में घुसते थे और घुसना चाहते थे, ठीक है, साइंटिस्ट लोग घुसना चाहते थे। अब हमें बहुत सारे इंजीनियर्स बनाने हैं। अगर इंडिया की इकोनॉमी को भयंकर करना है तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है कि हम ढेर सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाएं और उनको डिप्लॉय कर दें। और अगर हम ये कर पाए, अगर ये मेरे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाए, तो बहुत सारे बच्चे प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। आप भी ट्राई करो, अभी तो मेरे पास इस कोर्स में बहुत जगह नहीं है, लेकिन आप भी अपने इसी स्टाइल से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का ट्राई करो, और मुझे बताओ कैसा लगता है आपको, कैसी फीलिंग आती है। आप पूछोगे कि इसके बाद कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बाद कैसे पढ़ना चाहिए, उस पर भी मैं काम कर रहा हूं, और एक बहुत खतरनाक 25 मिनट का वीडियो उस पर भी लेके आऊंगा। लेकिन इसके बाद अब मेरा प्लान ये है कि अब हम HTML CSS में घुसेंगे, बिल्कुल इसी तरह घुसेंगे, ढेर सारे एक्सरसाइजेस बना के, खूब सारा टाइम लगा के, खूब सारा वीडियो से पढ़ाकर, खूब सारा कोडिंग करवा के, फिर वनीला जावास्क्रिप्ट में घुसेंगे। उसके बाद सोचो इतना करने के बाद मैं API कॉल करना सिखाऊंगा। कम से कम एक महीना बच्चे को पढ़ाने के बाद I will get into API calls, I'll get into promises, I'll get into try catch। अभी तक इन चीजों में नहीं घुसा हूं, अभी तक नहीं घुसा हूं async में, अभी तक नहीं घुसा हूं, और मुझे लगता है हमें घुसने की जरूरत भी नहीं। हम जावास्क्रिप्ट में घुसते ही कॉल बैक, कॉल बैक, कॉल बैक, प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस।
प्रॉमिस करने लगते, क्यों भाई इतनी जल्दी क्या है, आराम आराम से करेंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिएक्ट आएगा 2 महीने बाद, और रिएक्ट में भी इसी तरह धीरे धीरे हौले हौले आराम आराम से बढ़िया से पढ़ाएंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करके पढ़ाएंगे। तो ये प्लान है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक आइडिया है जिसने मुझे जकड़ लिया है कि पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग ऐसे पढ़नी चाहिए, जावास्क्रिप्ट ऐसे सीखना चाहिए, मे बी रिएक्ट भी ऐसे ही सीखना चाहिए, और इस पे काम चल रहा है। जैसे जैसे मेरे को थोड़ी थोड़ी सफलता मिलती जाएगी, नेक्स्ट पार्ट कैसे पढ़े वो मैं आपको बताता जाऊंगा। आज ये वीडियो करने में बहुत मजा आया, एक बार भी नहीं सोचा कि कितना लंबा जा रहा है, क्या मार्केटिंग होगी, क्या टेक अवे होगा, फलाना ढिमकाना। दिल से जो बात थी, इतने महीनों से जो बात चल रही थी मन में, वो आपसे कही है, और ऐसी और बातें करनी है। तो यार लाइक कमेंट शेयर वगैरह करने का मन करे तो कर देना, और वीडियोस देखने हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब बातें हमारी ऐसी ही होंगी जो बिल्कुल दिल से निकल के आपके दिल को छू जाएंगी।